नकली आधार कार्ड डॉक्यूमेंट्स बनाने का कारोबार तेजी से फैलता जा रहा है। ऐसे में वडोदरा से भी ऐसे कई मामले उजागर होने के बाद वडोदरा पुलिस हरकत में आई और वडोदरा पुलिस की ओर से नकली आधार कार्ड बनाने के मामले में एक टोली यानी कि 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में आज पत्रकार परिषद भी पुलिस की ओर से आयोजित की गई थी और इस पत्रकार परिषद के तहत जोन 4 के DCP ने ज्यादा जानकारी दी और इन आरोपियों पर आगे की कार्रवाई भी जल्द शुरू कर दी जाएगी। डुप्लिकेट आधार कार्ड बनावी अने 5 ईसमों द्वारा अलग अलग जगह लोन मेड़ी अने एसी टीवी फ्रीज एवं बधु खरीदी करवामां आवेल जे वस्तुओं बारोबार बीजी जगह वेची दीधेल अने ज्यारे रिकवरी माटे जाए त्यारे तेओ नहीं मळी आवता। आ बाबतनी एमओ वापरी अने लोकोए छेतरपिंडी करेली जे बाबते आखी गेंगनो पर्दाफाश करवामां आवेलो छे। जे अन्वये 5 आरोपीने अटक करवामां आवेला छे। 5 आरोपी पासेथी 9 अलग अलग प्रकारना डुप्लिकेट आधार कार्ड मळी आवेला छे। 6 मोबाइल नंग रिकवर करवामां आवेला छे अने 9 एसी 1 फ्रीज टीवी वगैरह रिकवर करवामां आवेलुं छे। आरोपी आफताब अहमद हनीफ शेख रहे पाणीगेट, आरोपी नयन उर्फे बुधो दिनेशभाई रावल, आरोपी मोहम्मद अकील इब्राहिम शाह, आरोपी अल्लाह रखा उर्फे नूर मोहम्मद शेख तेमज हिना अरफमिया चौहान आ 5 आरोपीओने कारीबाग पुलिस स्टेशन द्वारा अटक करवामां आवेला छे। अल्लाह रखा उर्फे अल्लू नूर मोहम्मद शेख विरुद्ध अगाउ पण 2019 पाणीगेटमां अने सिटी पुलिस स्टेशनमां डुप्लिकेट आधार कार्ड बनाववा माटेनो गुनो दाखल करवामां आव्यो छे। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।